नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड सम पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 2x² प्लस ए एक्स माइनस ए दे आर गिवन टू यू डिवाइजर दे आर गिवन टू यू एज एक्स माइनस ए जैसे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में किया था माइनस ए का ऑपोजिट हम लोग लेते हैं ए करके सो आई राइट यू पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए इन पी एक्स करेक्ट ये पी एक्स में एक्स के जगह पे हम लोग क्या डालने वाले हैं हम लोग डालने वाले अल्फाबेट ए करके सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू अभी क्या कहा था मैंने पी एक्स के जगह पर ए डाल दो तो फिर हम लोग लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू 2a³ - 2a² प्लस a इंटू एक्स के जगह पे भी a आएगा x के जगह पे a आएगा का मतलब a इंटू ए माइनस ए करेक्ट यहाँ पे x³ के जगह पे a³ डाल दिया x² के जगह पे a² डाल दिया और यहाँ पे x के जगह पे a डाल दिया ये तो ऑलरेडी था ही था यहाँ पे सो इट इज इक्वल टू व्हाट 2a³ - 2a² प्लस a² - a सो इट इज इक्वल टू 2a³ - 2a² प्लस 1a² इज हाउ मच -2 + 1 इज -1 सो -1a² - a इज योर फाइनल आंसर सो दैट इज योर रिमाइंडर हियर सो द रिमाइंडर वी गॉट इट एज 2a³ - a² - a इज योर फाइनल आंसर दिस इज योर रिमाइंडर नाउ वी सी टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो सो इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर गिवन टू यू एज पीएक्स इज इक्वल टू 54m³ + 18m² - 27m + 5 डिवाइजर दे आर गिवन यू एज m - 3 तो हम लोग क्या करेंगे पुट m है ना यहाँ पे तो यहाँ पे -3 अभी -3 का ऑपोजिट क्या है इफ यू सी -3 का ऑपोजिट होता है +3 सो नाइट यू पुट m इज इक्वल टू 3 यहाँ पे m आएगा क्योंकि यहाँ पे m है सो पुट m इज इक्वल टू 3 इन pm सो pm के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग pm के जगह पे m के जगह पे 3 डालेंगे p3 करके सो आई विल राइट हियर बाय रिमाइंडर थ्योरम कॉमा रिमाइंडर इज इक्वल टू p ब्रैकेट m के जगह पे क्या कहा था मैं 3 नंबर तो लिखो 3 नंबर p3 इज इक्वल टू 54 और m के जगह पे 3 आएगा मल्टीप्लाई बाय 3³ + 18 m के जगह पे आएगा 3² - 27 इंटू m के जगह पे आएगा 3 + 5 करेक्ट चलिए अब द कॉन्सेप्ट क्लियर वेर एवर द m वॉज देयर जहां पर हमें भी m दिखाई दिया था वहां पर हमने क्या कर दिए 3 डाल दिए सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू 54 × 3³ = 9, 9³ = 27 क्योंकि क्यूब है ये 27 प्लस 18 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 27 इंटू 3 इज हाउ मच 7³ = 21 3² = 6 7 8 81 + 5 करेक्ट सो 54 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 18 इंटू 9 -81 + 5 नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 54 by 27 सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 54 by 27 यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 1458
आप लोग ये रफ कॉलम में 54 इंटू 27 करके यू कैन राइट आउट द आंसर. नाउ 18 इंटू 9 इज 162 प्लस 162 माइनस 81 प्लस 5. Now 1458 plus 162 you have to do minus 81. In the rough column only, you will be getting the answer as 1544. So the remainder is 1544 is your final answer for question number 5th ka third part. Now we will see to question number 6. So in question number 6 they are told to you all, py is equal to y cube minus 5y square plus 7y plus m. They are given you like this way. Divisor, it is again given to you all as y plus 2. So jaisa hum log question number 5 kiye the, in the same manner humko question number 6 bhi karne ka, because they are told to you all if the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2, the remainder is 50, as well as you have to find out the value of m also. यहाँ पे m alphabet आ गया, तो आप लोग को m का value find out करने का है. It is like this. So it is divisor is y plus 2. तो हम लोग क्या करेंगे? Put y is equal to प्लस 2 का ऑपोजिट क्या आएगा? माइनस 2 आता है इन पी वाई. यहां पर हम लोग को डालने का करेक्ट इन पी वाई. देयरफॉर पी वाई के जगह पे मैं डालता हूं माइनस 2. फर्स्ट व्हाट वी डू हियर, वी हैव टू राइट इट हियर बाय रिमाइंडर थ्योरम. बाय रिमाइंडर थ्योरम remainder is equal to p y के जगह पे आएगा minus 2 is equal to y cube के जगह पे minus 2 का cube minus 5 into minus 2 का square plus 7 into minus 2 plus m. So that is therefore p minus 2 is equal to minus 2 का cube कितना आता है? माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, अगेन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 का स्क्वायर आता है 4, 7 टू इज 14, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड प्लस m विल बी एज इट इज. देयरफॉर p माइनस 2 इट इज माइनस 8, माइनस 5 फोर द इज माइनस 20, माइनस 14 प्लस m. करेक्ट. So therefore p bracket minus 2 is equal to, now minus 2, minus 8, minus 20 and minus 14 plus m, when you add up all it, you will be getting the answer as minus 42 plus m. But remainder, how much they are given to you all? Remainder in the textbook they are given to you all as 50. But remainder is 50. Correct? Yama remainder is na. Remainder is equal to minus 42 plus m aaya tha. Iska dekhe hum logo remainder diya hua 50 karke. That is mean given to you all in your textbook. So what we'll do now? So write it here, therefore 50 is equal to minus 42 plus m, therefore m is equal to minus 42 equal to ka left hand side mein jata hai hoga plus 42. So it is 50 plus 42, you're getting the answer as 92. So the value of m you are getting here as 92. And here we have completed question number 6. Now we will see to next question, question number 7. So in question number 7, px is equal to x square plus 2x minus 3 hai.
बाय फैक्टर थे अब हमको देखने का है कि x प्लस थ्री इज अ फैक्टर और नॉट। तो फैक्टर थ्योरम में अगर x का वैल्यू x प्लस थ्री है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट p x के जगह पे हम लोग माइनस थ्री लिखेंगे, करेक्ट। x प्लस थ्री, प्लस थ्री का ऑपोजिट हम लोग लिखने वाले माइनस थ्री, दैट आई टोल्ड इन क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 here. So the difference between remainder theorem and factor theorem is that in factor theorem में क्या हो जाता है कि अगर p minus 3 का value अगर 0 आ गया जब हम लोग calculation करने के बाद, so that means x plus 3 is the factor of this polynomial. Remainder theorem में भी same है, लेकिन वहां पे is equal to कुछ ना कुछ एक number आ जाता है last में, तो that becomes a remainder. In factor theorems the remainder will be 0 only. If the remainder is 0, then we can say that particular polynomial like x plus 3 is the factor of this one. So it is equal to x ke jagah pe humne udhaalenge minus 3 ka square plus 2 into minus 3 minus 3 will be as it is. So minus 3 ka square hota hai 9 plus into minus is minus 2 into 3 is 6 minus 3 it is equal to 9 minus 6 माइनस थ्री होता है माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो. तो देखो p ब्रैकेट माइनस थ्री का वैल्यू आया जीरो. सो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से बाय फैक्टर वी कैन से मेथड x प्लस थ्री इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, करेक्ट. नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हो x प्लस थ्री इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन, क्योंकि जो हम लोग को पूछा गया है इन द सेम मैनर यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. सो आई रिटर्न ए बाय फैक्टर मेथड x प्लस थ्री इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, इट इज लाइक दिस वे. सो आई कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7. Now we'll see to question number 8. So in question number 8 also, by factor method only we have to see that given to you x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20. They are given to you like this way. तो आप लोगों को पहले से दिया हुआ है x माइनस टू फैक्टर है, और x माइनस टू है ना, तो माइनस टू का ऑपोजिट इट इज प्लस टू, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू इज इक्वल टू x की जगह पे टू, तो जहां कहां पर x दिखाई देता है वहां पे हम लोग टू नंबर डालेंगे. तो यहां पे आएगा टू क्यूब माइनस m इंटू टू स्क्वायर प्लस 10 इंटू टू माइनस 20, इट इज इक्वल टू टू का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस टू का स्क्वायर होता है 4m प्लस 10 टू जा 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 विल बी 0, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 4m. ये हो गया p2 का वैल्यू, लेकिन हमको दिया हुआ है कि इट इज अ फैक्टर. तो जब कभी फैक्टर आता है तो ऊपर वाले सेवेंथ सम में क्या किए थे, आंसर कितना आना चाहिए, जीरो. अगर फैक्टर आता है तो वी विल बी राइटिंग इट डाउन हियर, बट गिवन टू दैट एक्स माइनस टू, बट गिवन दैट एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ px, किसका फैक्टर है, ये x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 उसका फैक्टर है ये. तो फिर बाय फैक्टर थ्योरम p2 का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, करेक्ट. क्योंकि हमेशा फैक्टर थ्योरम में क्या आ जाता है कि जो आंसर आता है लास्ट में इट शुड बी जीरो ओनली. तो फिर देयरफॉर वी कैन राइट इट डाउन, जो p2 लिखा था उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा p2 है दिस वन,
इसके जगह पे हम लोग जीरो डालने वाले, करेक्ट। यू राइट योर देर फॉर जीरो इज इक्वल टू 8 माइनस 4m, देर फॉर -4m को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं इक्वल टू का, तो -4m का +4m हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 8, देर फॉर m इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, इट इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई था इक्वल टू का राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है वो डिवीजन हो जाता है, तो फिर m का वैल्यू आया 2। दैट इज द क्वेश्चन बी आस्क्ड टू यू ऑल इन योर टेक्स्ट बुक कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ m एज 2 here। नाउ इन क्वेश्चन नंबर